एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी फरहा चौधरी एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई, आप लोगों को मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से बहुत 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 बकरीद मुबारक। और जो लोग भी कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन लोगों की कुर्बानी को कबूल फरमाए। और सुबह मैं जल्दी उठ नहीं पाई थी, बट फरहीन ने मेरे लिए व्लॉग शूट कर लिया था नमाज का, जिस टाइम नमाज हो रही थी। तो आप लोग सबसे पहले वो देखो। यहाँ मदरसे में भी नमाज हो गई है, मस्जिद में भी हुई नहीं है, मदरसे में हुई है। अभी इसकी नमाज हो रही है मस्जिद में। सो यहाँ पर सुबह सुबह कुर्बानी हो गई थी, बट हम सब सो रहे थे, आप देख सकते हो। तो कुर्बानी हो चुकी है बकरों की, अब गोश्त बटेगा। और टाइम क्या हो चुका है, 1 बज चुका है। 1 बजे हमारी सफाई हो रही है कि यहीं पर ही बोटियाँ बनी थी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर पैकिंग होना स्टार्ट हो गई है, मतलब जो बटना है वो पैक होना स्टार्ट हो गया है, मम्मी करने लगी है, और फिर पापा जाके बांट के आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये नमाज़ की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और ऐसी मैंने नमाज़ की वीडियो ईद पे भी शेयर करी थी। और ये कपड़े फरहान के टंगे हुए, बाकी सब सो रहे हैं। अब दिखाती हूँ घर में क्या क्या हो रहा है। और अभी मैं नहाकर आई हूँ, अजान हो चुकी है, बस अब जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, और फिर आगे की चीज़ें तब शेयर करूँगी। यहाँ पे फरहीन बना रही है सबके लिए रोटी, और अब ये नहाई वाई भी नहीं है बेचारी, पहले किचन का काम कर अब खाना बना रही है। तो गाइज, नमाज वगैरह मैंने पढ़ ली है और कुरान शरीफ भी पढ़ लिया है। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि अब मुझे लग रही है भूख, क्योंकि मैंने नाश्ता करा था कुछ 10 बजे के करीब, और अब बज गए हैं 2, तो अब खाना खा लेना चाहिए। और देखते हैं कि फरहीन ने क्या बनाया है, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। यहाँ बनाया है फरहीन ने कलेजी। तो आज ऐसा होता है कि सबके घर कलेजी ही बनती है, पर कलेजी में खाते नहीं है, तो हम खाएंगे सिर्फ ग्रेवी। ग्रेवी सुन्नत अदा करेंगे, क्योंकि खाना ज़रूरी होता है। और ये पंखे की आवाज़ आ रही थी तेज। तो अब जल्दी से खाना खा लेते हैं और फिर आगे की चीज़ें शेयर करेंगे। खाना वगैरह खाने के बाद हम सब सो गए थे, क्योंकि रात के कुछ लोग जगे गए थे, पर कुछ लोग नहीं भी जगे हुए, तो भी उन्हें देख के नींद आ गई। अब उठे, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, असर की भी पढ़ ली। पर रोज़ाना जैसे मैं चाय बनाती हूँ, तो आज चाय नहीं बना रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और ये अम्मी की सीटी चल रही है, कब बंद हो गई है। और यहाँ मैंने कॉफ़ी का पूरा सामान निकाल लिया है, ये रहा दूध, ये रहा बर्फ़ और कॉफ़ी। आज पहली बार बनाऊँगी तो बनाती हूँ। और अम्मी कब रुकेगी ये, इनकी सीटी है, बज जा रही है। अम्मी ने सालन बनाया आज, और फिर ने दोपहर में जो कलेजी बनाई थी ना, बहुत टेस्टी बनाई थी। मैंने पीसेस तो नहीं खाए, ग्रेवी खाई थी, पर बहुत टेस्टी बना रखी थी उसमें। अम्मी उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसे वो आती है ना, ताज़ी थी ना। अच्छा, सब चीज़ें अब मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, दूध भी, चीनी भी, और चीनी डाली है मैंने पिसी हुई, क्योंकि पहले भी बता रखा है कि हम पिसी हुई चीनी रखते हैं। अब मैं पीस कर रखती हैं, और अब इसको पीसते हैं जल्दी से, पीसते हैं मतलब चलाते हैं, शेक करते हैं। ये अम्मी और बर्फ़ तोड़ कर दे रही हैं मुझे डालने के लिए कॉफ़ी में। और अब इससे हम ग्लास को डिज़ाइन करेंगे, ऐसे करके साइड में लगाते हैं, मैंने फरहीन से देखा है। तो मोटा मोटा अम्मी पसीना आ रहा है, तुम कितने बस छोड़ दो, डाल देती हूँ ऐसे। फरहीन बताएगी कि कैसी बनी है कॉफ़ी। अच्छी बनी। पहली बार बनाई, सही बनी, अच्छी बनी। लो सोनू भाई, तो क्या हो रहा है, ले लो अम्मी, लो पियो, बताओ। अरे उनको पसीना आ रहे हैं पूरे, बैठो जल्दी जल्दी।
कपड़े कैसे पहने थे, मतलब इधर सूती है अरे खा जाएंगे, हमें लाओ जल्दी लो। तो बताओ और नियम टूटते ही मुझे बताओ, बताओ कैसी बनी है। अच्छी है पीढ़ी लेंगे लेंगे, मेरी वाली है ना, पर कहते हैं ना मीठा ज्यादा लेती है। बढ़िया बनी है, हमारे घर आए हैं सोनू भाई के दोस्त और देखो आज नए नए बर्तन निकाले जा रहे हैं, पूरा डिनर सेट अनबॉक्सिंग हो रही है नए नए बर्तनों की। और वैसे अचानक वाले दोस्त से एकदम से पता नहीं था कि आने वाले हैं, देखो नए नए बर्तन निकाले जा रहे हैं। क्या करने जा रही है, चम्मच भी है काम के लिए, शीर के लिए तो सही है, पता नहीं मुझे। हाँ सही है, रख लिया, रख दो और किचन में चलते हैं, दिखाती हूँ कि क्या क्या है, कैसे लगा रही है। तो यहाँ खाने की तैयारी की जा रही है, सब दही बड़े वगैरह भी बनाए जाएंगे, शीर भी है। और मैं हल्के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे बैठे लोग हैं, वहाँ तक ये आवाज़ जाएगी, तो मैंने ले लेना है जरूरी पीछे मत हो। ये कलेजी और ये क्या बना रखा मैंने, बुनावा इसके अंदर है कलेजी आई चला गया, चलो वो तो मैं पहले दिखा चुकी हूँ। और ये है रोटी और ये हूँ मैं और ये है ना दिया बाजी, मैं तो मुझे गर्मी लग रही है, मेरे आ जाओ कैमरे के अंदर घुस जाओ, ओके बॉक काट दे काट दे, सही बात है मैं कुछ काम ही नहीं कर रही तो मैं घुस गई, अब पड़े यहाँ कर रही है। सबसे अच्छी प्यारी चीज़ शीर, देखो हमारी शीर ऐसे कर देती है अम्मी बर्फी तरह। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा बकरा ईद का ब्लॉग बहुत 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 पसंद आया होगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और इंस्टाग्राम पे भी जाके जल्दी से मुझे फॉलो कर लो जिन लोगों ने अभी तक नहीं कराया। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।